functions defined as definition likhiye beta inverse trigonometric function define as sin inverse cos inverse and tan inverse etc. देखिए बेटा अभी तक जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था 12th क्लास में हम बात कर रहे हैं आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स एक्सेट्रा इट इज अ सिंबल ऑफ इनवर्स इसको हम क्या कहते हैं द सिंबल ऑफ इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं अभी तक आप ये पढ़ते थे कि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है 1/2 मतलब कि रेशियोज के साथ आपको डिग्री गिवन होती थी आप वैल्यू फाइंड करते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स रेशियो के साथ वैल्यू गिवन होगी आप डिग्री फाइंड करेंगे ऐसे फॉर एग्जांपल साइन पाई बाय 6 इक्वल टू 1/6 सो पाई बाय 6 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 अगर मैं आपको फंक्शन की हेल्प से समझाऊं जैसे कि f सच दैट a अप्रोचेस टू b ये a सेट होता है ये b सेट ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था डोमेन और रेंज के इसको जब a के पॉइंट आप b से रिलेट कराते हैं किसी रूल की हेल्प से उसे हम f कहते हैं a के सारे पॉइंट जब आप b सेट में रिलेट कराते हैं किसी रूल की हेल्प से रूल को हमने बोल दिया f ठीक है अगर आप b के पॉइंट a से रिलेट कराएंगे तो इट इज कॉल्ड f इनवर्स उसे 1 अपॉन f नहीं लिखते उसे लिखते हैं f इनवर्स तो यही मैंने यहां यूज किया कि sin पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2 देयरफॉर पाई बाय 6 इक्वल टू sin इनवर्स 1/2 ये इनवर्स बन जाता है क्योंकि अपॉन में लिख नहीं सकते तो इनवर्स हां जी क्लियर है तो सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टेबल यहां बनाएंगे ठीक है देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस जैसे हमारे पास है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डोमेन जहां एक्स बिलोंग करता है रेंज जहां वाई बिलोंग करता है ये हो गया -1 कॉमा बेटा इस टाइप के ब्रैकेट लगते हैं क्लोज इंटरवल को डिफाइन करते हैं इस टाइप के ब्रैकेट अगर पॉइंट्स पे लगते हैं तो वो क्लोज इंटरवल को डिफाइन करते हैं और जब पॉइंट्स के ऊपर इस टाइप के ब्रैकेट लगते हैं कॉल्ड ओपन इंटरवल ये ओपन इंटरवल को डिफाइन करता है ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि पॉइंट इंक्लूड नहीं है ये क्लोज इंटरवल को डिफाइन करता है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो होगी साइन इनवर्स एक्स की जिसमें वाई जहां वाई बिलोंग करता है होता है -π/2 कॉमा π/2 सेकंड है वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इसका भी डोमेन -1 कॉमा 1 है और प्रिंसिपल ब्रांच इसकी आती है 0, π फिर आता है वाई इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स एक्स y इक्वल टू cosecant इनवर्स x
इसका डोमेन होता है आर एक्सक्लूडिंग माइनस वन फ्रॉम आर। आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर, आर एक्सक्लूडिंग माइनस वन, इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर लेकिन माइनस वन और वन के बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं उनको एक्सक्लूड करके। क्यों? कोसिकेंट कभी भी अपना रिजल्ट इसके बीच में नहीं देता। जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे साइन पाई बाय सिक्स कितना हमारे पास वन बाय ट्वेल्व, एक चीज मैं आपको बता दूं, पाई जो होता है वो कितना होता है 180। साइन पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या है? 1/2। क्यों? साइन 30 डिग्री हो गया। अगर कोसिकेंट पाई बाय सिक्स होगा तो कितना होगा? कोसिकेंट पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। साइन पाई बाय सिक्स की वैल्यू अगर 1/2 है तो कोसिकेंट पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। तो वो माइनस वन से वन के बीच में। तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो होगी माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू एक्सक्लूडिंग जीरो। हम रेंज निकालते समय इंटरवल में से उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं जो अपना रिजल्ट नॉट डिफाइंड देता है, क्योंकि फंक्शन हमेशा डिफाइंड होते हैं। कोसेकेंट जो है जीरो के ऊपर अपनी वैल्यू इंफिनिटी देता है। कैसे देता है? देखिए हमारे पास है y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x, यहां पर y बिलोंग करता है ना, आप जीरो लीजिए, जीरो इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कोसेकेंट जीरो। और कोसेकेंट जीरो कितना होगा? क्योंकि साइन जीरो अगर जीरो है तो कोसेकेंट जीरो का रिजल्ट नॉट डिफाइंड होता, तो x इक्वल टू क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए इनको एक्सक्लूड, जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का रिजल्ट नॉट डिफाइंड होता है उनको हम रियल नंबर में से सॉरी उनको उनकी प्रिंसिपल ब्रांच में से क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। रियल नहीं, प्रिंसिपल ब्रांच, को गलत बोल दिया था रियल। अब है y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, तो इसका डोमेन भी होता है r एक्सक्लूडिंग माइनस वन कॉमा वन और रेंज है 0 कॉमा पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय टू। द नेम ऑफ द सिंबल इज कॉल्ड एक्सक्लूडिंग। इसको क्यों उठा है? कॉस पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाय टू की वैल्यू होती है 0 और उसी पर सेकेंड पाई बाय टू हो जाता है नॉट डिफाइंड। सेकेंड पाई बाय टू क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको एक्सक्लूड। फिर तो y इक्वल टू टेन इनवर्स x, डोमेन इसका रियल नंबर है रेंज माइनस पाई बाय टू कॉमा पाई बाय टू ओपन इंटरवल। क्योंकि टेन जो होता है वो पाई बाय टू पर अपनी वैल्यू नॉट डिफाइंड देता है, इसलिए ओपन इंटरवल लेंगे उसका रेंज। y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसका डोमेन भी रियल नंबर होता है लेकिन रेंज होती है 0 कॉमा पाई ओपन इंटरवल। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ एक ये ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द होल पावर माइनस वन, ये दोनों बराबर नहीं होते, क्योंकि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है और रेंज होता है वो डिफरेंट होता है, साइन के डोमेन और रेंज डिफरेंट होते हैं। ये जो है चीज कि साइन एक्स टू द होल पावर माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन ओवर साइन एक्स, इसलिए साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू वन ओवर साइन एक्स, ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स वन ओवर साइन एक्स इक्वल नहीं होता, क्योंकि वन ओवर साइन एक्स जो है आपका वो इक्वल होता है कोसेकेंट एक्स के। वन ओवर साइन एक्स किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट एक्स। इसलिए साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द होल पावर माइनस वन, ये साइन इनवर्स के लिए नहीं है, ये तो एग्जाम्पल दे दिया मैंने, ये हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये चीज होती है। क्लियर है पॉइंट? अब हम पहले इस
यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट, द फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 करने का तरीका, सॉल्यूशन देखिए। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू वाई, देन साइन वाई इक्वल टू 1/√2 because sine inverse x equal to y implies that x equal to sine y। ये हम इस तरीके से, जब इनवर्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है, और जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शिफ्ट करते हैं तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है। अब लिखिए बेटा, वी नो दैट, वी नो दैट द रेंज, we know that the range of the principal value branch of the principal value branch of sine inverse is -π/2, close interval में आएगी, ध्यान। ठीक है जी, सो साइन वाई इक्वल टू 1/√2 दैट इज इक्वल टू साइन π/4, तो इंप्लाइज दैट वाई इक्वल टू π/4 विच इज बिलोंग क्लोज इंटरवल -π/2, therefore principal value of sine inverse 1/√2 is π/4. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? एक बात और बता दूं बेटा, 2π इक्वल टू 360 डिग्री होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, π/2 इक्वल टू 90 डिग्री, π/3 इक्वल टू 60 डिग्री, π/4 इक्वल टू 45 डिग्री, π/6 इक्वल टू 30 डिग्री। यानी क्लियर है? अब इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी टेंस की टेबल है, उसमें से ले रहा हूं मैं, फंक्शन थर्टी डिग्री जिसको आप π/6 कहते हैं, फोर्टी फाइव डिग्री जिसको π/4 कहते हैं, 60 डिग्री ये π/3
दिस इज साइन. अब साइन 30 डिग्री लें तो क्या वैल्यू होती है? इससे पहले बेटा एक रहेगा इसमें आपका 0 डिग्री. यहाँ फंक्शन ले लेते हैं, ऐसे साइन फंक्शन है. साइन 0 डिग्री पर क्या आता है? 0. 30 डिग्री पर 1/2. 45 डिग्री पर 1/√2. 60 डिग्री पर 3/√2. 90 डिग्री पर 1. कॉस 0 डिग्री पर 1. 30 पर √3/2. 1/√2. 1/2. 0. इस तरीके से आता है. 10. 10 जो होता है दोनों का डिवीजन हो जाता है. ये कितना हो गया? 10 0 पर 0. 30 डिग्री पर 30 डिग्री पर 1/√3. 45 डिग्री पर 1. 60 पर √3. 90 पर आप लोग टेंथ में एनडी लिखते थे, यहाँ सिंबल हो गया नॉट डिफाइंड. इन्हीं से बाकी सारे निकाला जाता है. कोसिकेन जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा. और एक बात ध्यान रखना, 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी होता है, 1/∞ इक्वल टू 0. क्योंकि जब आप इंफिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0.